तो फाइनल के अंदर हुआ था एक बहुत ही बड़ा कांड। तो इसका फाइनल इतना अजीब था जितना मैंने सोचा नहीं था। एक बार को अपन आलू को सोने में तब्दील करने वाली मशीन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इनका फाइनल अबे देखो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया थी, लेकिन ऐसा लग रहा था फाइनल के नाम पे क्वार्टर फाइनल खेल ले हम लोग। तो जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से 5 लोग फाइनल के अंदर आए और उनको फाइनल के अंदर आके 2 गेम खेलने थे। उन 5 में से 2 बंदों का तुम्हारे मैच होंगे, 2 बंदों का तुम्हारे मैच होंगे ही नहीं। तो फिर जो विनर होगा अगर वो वाला होगा जिससे अपनी नहीं होगी तो थोड़ा बहुत तो अनफेयर मैं गिनूंगा। और हुआ भी वही। ऐसा है भी नहीं कि इसके अंदर तुम बस खेल के जीत सकते हो, तुम अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते वो लाइन को अलार्म बज गया, बाद में आता हूँ मैं। हाँ तो मैं आ गया, जो वो लाइन थी ना क्या थी भूल गया। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता। गाइस फाइटिंग रेंज वर्सेस स्टैंड ऑफ, तुम लोग किसको वोट करोगे कमेंट के अंदर बताओ। तो अब सीन ऐसा था, फाइनल के अंदर तुम्हें 2 मैच खेलने थे, 2 मैच के अंदर जिसके सबसे ज्यादा किल होंगे वो जीत गया। एक और चीज, जो पूरा राउंड को जीतेगा उसको 10 पॉइंट मिलेंगे और राउंड होंगे बेस्ट ऑफ 5। अब प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लो, क्योंकि इसको समझना बहुत ही दिमाग वालों का काम नहीं है भाई, कोई भी समझ लेगा, मैं समझा दे रहा हूँ। पता भी है मेरे को टीचिंग के अंदर ग्रैमी ओस्कर सब मिल गई लाइन। एक बंदा जो कि बहुत अच्छा खेलता है और उसने अपोनेंट को 3-0 से हरा दिया है सारे मैप। ये देखो फोटो लगा देता ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। अब मान लो मैं फाइनल खेल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हरा दिया एक बंदे को 5-3 से। शिप बैंड के अंदर बहुत मेहनत से मैंने एक बंदे को 3-4 से हरा दिया और फिर लास्टली किला उसके अंदर हमारे किल हो जाते हैं कुछ यही 6-5। फाइनल है भाई, सामने वाले भी बहुत बढ़िया होंगे, उनके सामने जीत हासिल करना वो भी 3-0 से बिना 2 मैप खेले बेस्ट ऑफ 5 के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। बट अगर तुम्हारे टोटल गिनेंगे तो वो खाली 15 निकलेंगे। मुबारक हो, तुम लोग जीत के भी सबसे नीचे आने वाले हो। और अब वहीं पे एक बंदा जो कि खेलेगा कुछ इस तरह रिक्लेम के अंदर कुछ इस तरह जीतेगा। अब एक ऑप्शन आता है, या तो शिपमेंट को हार जाए या तो शिपमेंट को टाई कर दे, क्योंकि जीतना तो है ही नहीं। अब किला उसके अंदर या तो तुम जीत सकते हो या तो तुम हारो तो बेहतर, और टाई कर लो तो बहुत ही बढ़िया। अब रिक्लेम वाला मैप तुमको अपर साइड लेके जीतना ही जीतना है अच्छे पॉइंट से। वो एक ऐसा मैप है जहाँ पे बस ऊपर बैठ जाओ, बंदों को स्पॉन ट्रैप करते रहो और फिर बाद में शिपमेंट के अंदर एक किल के लीड निकाल के वो ट्रैक्टर के पीछे अपना पोटला बिस्तर बांध के बैठ जाओ। मुबारक हो भाई, तुम लोग जीत चुके हो। और कस ये वाली बात मेरे को गेम खेलने से पहले पता होती तो अब तुम समझ चुके हो कि इस वाले टूर्नामेंट को एक्चुअली में खेलना कैसे था। तुम्हारे दिमाग में ये अच्छे से घुसे उसके लिए इन सब चीजों के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो यार कमेंट के अंदर बता देना तुम लोग को समझ में आया है कि नहीं। एनिमी को हरा नहीं देना है बल्कि उसको गले मिलके गुदगुदी करके मारना है। बहुत ही खतरनाक फाइनल था जो कि होस्ट किया था कोडा शॉप ने। अगर तुम्हें सीपी बाय करना है वो भी डिस्काउंट के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना मत भूलना। सबसे पहला अपना मैच स्टार्ट होता है न्यूट्रिनो के सामने। जिसको नहीं पता, गॉड लाइक के अंदर एक बंदा जो बस दीवारें तोड़ के बंदों को मारता रहता है, न्यूट्रिनो उसका नाम है। मेरे को लगा अपन आ जाएंगे, बट यार स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया करी अपन ने। न्यूट्रिनो ने भी बहुत ही बढ़िया काउंटर फाइट दी। मेरे को किधर क्रॉसबो मारना था और किधर लगा। अब यहाँ मैंने न्यूट्रिनो को बहुत लो कर दिया और यहाँ जो कांच है ना इधर से वॉल पेंग लगता है, तो मैंने ट्राई किया वो मर गया। अब यहाँ पे न्यूट्रिनो इन पीले पीले क्या बोल सकते हैं इनको, इनके पीछे था, मतलब वॉल पेंग से मर गया। अब 5 के लीड लेने के बाद भी ये इतना बद्दा मैप है ना, जो ऊपर बैठ गया उसका बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है, लेकिन फिर भी मैंने न्यूट्रिनो को मार दिया। अब यहाँ पे आता भाई न्यूट्रिनो का सबसे बड़ा नंगा नाच। ये बंदा थंपर के अंदर डेमो एक्सपर्ट डाल के चला देला, बोलो क्या करना है। और इधर मैं मेटा वाली गन भी नहीं यूज कर रहा हूँ, एचवी के हाथ में। लेकिन अब यार देखो क्या मारा इसको। ये है गेम का टर्निंग पॉइंट जहाँ पे मैं जीता। अगर मैं इस वाली किल को नहीं लेता तो गेम होता टाई, लेकिन सक्सेसफुली अपन ने ये वाली किल ले ली और उसके बाद वापस से न्यूट्रिनो को एक और बार मार दिया और अपन जीत गए बिल्कुल इजीली। राउंड 2 के अंदर मैंने यार बहुत बोला चल भाई चिकॉम चला लेते, पब्लिक को बहुत मजा आएगा, लेकिन वो बोला नहीं भाई मैक 10 चलाते, उसको केले वाली मैक 10 चलानी थी। अब जिस तरह से हम लोग अभी फाइट लेंगे ना वो चीज मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, मैंने किसी के साथ ऐसी प्रैक्टिस की नहीं थी। और क्या पता है गॉड लाइक वाले पूरा पूरा दिन शिपमेंट के अंदर बैठ के ये वाली ट्रेनिंग करते रहते हो, क्योंकि इसके अंदर यार बहुत ही तुम्हारा पक्का हो जाएगा क्लोज रेंज। एक और चीज यार, मैक 10 नर्फ हुई थी उसी दिन अपडेट आया था और मैंने मैक 10 चलाई बिल्कुल नहीं थी, बट फिर भी अपने ने एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया। स्लाइडिंग ड्रॉप शॉट प्री एमिंग ये सब चीजों वगैरह के अंदर ही अपन ने बहुत सारे किल बटोरने की ट्राई करी। और अब यार यहाँ पे देखो क्या हेडशॉट चिपकाया बिल्कुल मिड में एक और बंदे को मारा। अरे न्यूट्रिनो के साथ 1-1 चल रहा है यार, क्या एक और बंदे को मारा, थोड़ा नींद में उसाया था मैं, छोड़ो। यहाँ पे मैंने न्यूट्रिनो की गन उठा ली और यहाँ पे उसका वेट किया और जैसे ही वो आया वैसे उसको मार दिया। और यहाँ पे भाई साउंड ग्लिच हो गया, आवाज ही नहीं आ रही थी, वो मेरे सामने मेरे को पता ही नहीं है। ये देखो
और यहाँ पे गन गाड़ी कॉइल उसके घर के दूध की थैलियां लेने भाग गया। अब यहाँ पे यार बिल्कुल ही एंड सेकेंड पे मार के मैंने मैच को टाई किया है। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया भाई नो किलो, लेकिन फिर भी किलो निकाली। अब वहाँ पे लिखा ले ली, अबे ले ली तो सुसाइड वोसाइड कर लेता यूं थम पर मेरे ऊपर बहुत चल रहे थे, लेकिन खुद के ऊपर एक भी नहीं मारे जवाएगा। यहाँ पे सबसे पहला किल अपन करते, फिर मैं जाके उठा लेता हूँ किलो और सामने देख लेता हूँ आधा किलो कैंपिंग। मेरे को लगता है सही यही है कि मैं इन्हीं की जगह ले लूं। अब यहाँ पे भाई किलो गई भाड़ में, मैं अपनी गन से मारूंगा। मैंने गेम के स्टार्टिंग में बोला स्नाइपिंग करते, लेकिन नहीं स्नाइपिंग नहीं करेंगे अपन। और अभी खुद देखो स्नाइपिंग निकाली, एक लंबा का लुच्छा लफंगा है, ऐसा लगता है गुंडागर्दी दिखा के बूट कैंप पे मासूम प्लेयरों का खाना भी खा जाता है। एक बार टीम का कैप्टन देखो कितना पतला है, खाना नहीं खाता ठीक से, ऐसा लगता है भाड़ में जाए की शादी का वीडियो में तो खाना ढूंढूंगा। इतने दिनों के बाद फ्री का खाना टूट पड़ो, तुझे टीम ने इज्जत डुबावे छे भाई, क्या पंजाबी गुजराती मिक्स मारे मैं। टीम का कैप्टन मैं हूँ। इतनी मेहनत से टीम की इज्जत बनाओ और टीम के कैप्टन को ही टीम की इज्जत की नहीं पड़ी है। अगले इंटरव्यू में लन से पूछ लेना बूट कैंप में ठीक से खाना वाना मिलता है भी के नहीं। इसकी स्ट्रीम के अंदर तो खाना ठूसता ही है, लेकिन भाई दूसरों के स्ट्रीम में भी नहीं छोड़ा। चैन से खाना खाऊंगा लाइव स्ट्रीम में, ये बकता रहेगा मैं खाता रहूंगा। बंदे ने स्ट्रीम चालू होने से लेके आधे घंटे तक बस खाया ही है। भाई शर्म भी आती है, मेरे को भूख लग गई थी इसकी स्ट्रीम देखने के बाद। वैसे हम थे फाइनल के वीडियो पे, पता नहीं किधर से किधर चले गए। अब देखो यार इधर क्या हो, न्यूटिनो ने स्नाइपर ले ली थी, अब मेरे को लगा उसका स्नाइपर होगी, बट उसने यार अपनी वो जो क्या किलो उठा ली थी उधर से। ये वो वाला मूव था जो कि मेरे को पता नहीं था, मुझे पता था ना इसके हाथ में किलो जो उसने उठा ली है, तो मैं भाई आगे आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था यार इसके हाथ में ऑटोगन है। फिर यहाँ पे तो भाई सीधा वॉल बैंग ही हो गए। अब यहाँ पे मेरी किस्मत खराब थी या उसकी किस्मत अच्छी थी, भाई स्लाइड ही नहीं हुआ, वॉल बैंग लग गया। और यार यहाँ पे ये देखो भाई पुरान ऑटोमेटिक खत्म हो गया, मतलब वो होता नहीं तुमको उठना नहीं होता लेकिन ऑटोमेटिक तुम उठ जाते हो, वो हुआ इधर। अब तुम्हें बताया कितना बीटी हो रहा था इधर मेरे को। और वैसे लॉबी के अंदर बात कर ली थी कि हम लोग कैंपिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी देखो न्यूटिनो उसके पीछे अपना घर बसा के बैठेला है। यार मैं तो बोलता हूँ भाई बहुत लक से किल मिले हुए, मैं तो मानूंगा ही नहीं जी को। अब मेरे को लग रहा था इसने ना अपना कैहड़ वाला मोड एक्टिवेट कर दिया, लाडी क्लेम के मैच के अंदर भाई सामने ही नहीं आ रहा है। अब यार यहाँ पे इतनी गोली मारी थी, पक्का मर जाना चाहिए था उसको। अब फिर यार जो इसको मैंने मारा है ना, तुम लोग एक बार बस देखो, सबसे पहले मैं इधर बहुत देर तक वेट करता हूँ, ये नीचे कूदेगा भाई लीड में तो भी ये नीचे नहीं कूदा, मुझे और कोई देने नहीं थे तो मैंने क्या किया यार थोड़ा सा इधर गया, मुझे लगा ये सीओडी के डब्बों में से लेस के चुपड़े निकल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो अब मैंने यहाँ से जाके जो उसको मारा है ना एक बार बस देखो, ये बहुत ही खतरनाक किल थी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। वो हाइट एडवांटेज पे था, लेकिन फिर भी जो मैंने रिफ्लेक्स उसको मारा है, और है मजा आ गया।